Oh my God.
must breathe. I cannot breathe. Hare Krishna, Krishna Krishna.
कृष्ण ने क्या किया, राधा रानी को हाथ पकड़ लिए
और उनको लेकर के पूजा में सुंदर उन्होंने श्रृंगार की, श्रृंगार करते हुए जब उनको सुंदर श्रृंगार की, इतने में राधा रानी सोच रही है भैया मैंने भी जो काम किया जो भी मैंने गलत किया है, क्योंकि कृष्ण विरह में ये गोपियां भी रो रही है। लेकिन ये गोपियां है कौन, बल्कि ये सबके सब आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थागिर एव निज रूप कला दया भी, ये गोपियां और कोई नहीं राधा रानी की एक एक भाव ही एक एक ये गोपी रूप धारण किए। इसलिए कृष्ण राधा रानी सोच रहे मैंने भी गलत किया है, देखो मैं जैसे सब कुछ छोड़ करके कृष्ण प्रेम के लिए मैं भी दीवान बन करके वृंदावन में भ्रमण करती हूँ, ये गोपी भाभी इसी तरह ये वृंदा कायम भी है, केवल मैं गोपियों को कृष्ण मेरे को लेकर कृष्ण आनंद कर रहे हैं और गोपियाँ चुनाव विरह में कैसे तड़पड़ा रही हूँ। अभी राधा रानी सोच रही है अगर मैं भी थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जाऊँ ना, अभी कृष्ण अगर मेरे को अपना मनाना शुरू कर दे फिर इतने में कृष्ण आ जाएंगे, फिर कृष्ण आ जाएंगे तो फिर हम सबके सब रास लीला करेंगे। इतने में कृष्ण गोपियों की आवाज को सुनकर जल्दी जल्दी आप चले जाते हैं, बोले मैं नहीं चल सकती, जैसे आप मेरे को वहां से उठा करके लाए थे आप वैसे ले चलो, बोले कंधे पर बिल्कुल बैठा लो। वहां जो बैठने के लिए गए कृष्ण उनसे अंतर ध्यान हुए, अंतर ध्यान होकर कृष्ण यहीं पर आए और यहीं पर उन्होंने इमली वृक्ष के नीचे कृष्ण बैठ गए थे। राधा चिंता निवेशन जस्य कांति विलोपिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा आलिंगित विग्रह, जिसको हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज श्री विनोद बिहारी अष्टक जी उन्होंने उल्लेख करते हैं। इसलिए यहीं पर ही कृष्ण राधा रानी की चिंतन करते 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 उन्होंने पूरा पूरा राधा जी के अंग कांत उन्होंने यहीं पर धारण कर लिया। अभी गोपियां ढूंढ रहे श्याम सुंदर का, श्याम सुंदर जब यहीं पर आए श्याम सुंदर का देखा, बोले इनका तो बस्तर तो ठीक है, मयूर पंख भी ठीक है, इनके हाथ में बंसरी भी ठीक है, लेकिन इनकी केवल इनकी रूप बदला हुआ है। राधा रानी समझ गई कृष्ण मेरी चिंता करते 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 ये डूब गए थे। इतने में राधा रानी आकर उनको स्पर्श किया, स्पर्श करते ही अपना भाव को रंग अंग कांति को उन्होंने ले लिया, जो ले लिया इतने में कृष्ण का होश आया। जब कृष्ण का होश आया कृष्ण ने देखा आज तो मेरे को एक नया आनंद की प्राप्ति हुई, जब जब भी मेरे को वेद में कहता है रस वैसा रसम जगाया लब्धानंद भवती, मेरे को रस स्वरूप कहता है शास्त्र, मेरे को अखिल रसामृत मूर्ति बोल के शास्त्र बोलता है, लेकिन सारा दुनिया मेरे से आनंद लेकर के आनंद को प्राप्त करते हैं, लेकिन आज जब मैंने राधा रानी के भाव में मैंने डूबा हुआ आज मेरे को अधिक आनंद की प्राप्ति हुई, ये आनंद मेरे को कभी मिला ही नहीं। ये जरूर ये राधा रानी के प्रेम में कोई विशेष बात है, राधा रानी का प्रेम है। इसलिए कृष्ण यहीं पर ही उन्होंने सोच लिया अभी राधा रानी के अंदर में क्या दिव्य भावना है, मेरे को इसको आस्वादन करना पड़ेगा, लेकिन इसको आस्वादन करने के लिए मेरे को राधा रानी से किसी चीज को ऋणी लेना पड़ेगा। बोले कौन सा ऋणी, बोले राधा रानी की भाव और अंग कांति को मेरे को ऋणी लेकर के इस जगत में मेरे को आना ही पड़ेगा। इसलिए ये जो स्थान है ये वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण चंद्र राधा रानी के प्रेम की महिमा को जहाँ पर उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रूप में उन्होंने अनुभूति किया और श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरि रूप में अवतीर्ण लेने का उन्होंने यहीं पर ही उन्होंने संकल्प किया। इसलिए श्री स्वरूप दामोदर इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति अस्मात् देकात्वना भूमिपुरा देह भेदौ गतौ चैतन्यनाथ प्रकट वचना तद्वयम् चैतमाप्तम् राधा भाव सुबलितम् नवी कृष्ण स्वरूपम्। जहाँ पर श्री स्वरूप दामोदर इसको लिखते हैं महाप्रभु कौन है, जगत में आए क्यों और चाहते थे क्या, महाप्रभु का क्या स्वरूप है, इसी श्लोक में बताए। इसलिए तत्व तो हो दो नहीं, तत्व तो है एक ही है, लेकिन एक होते हुए भी उनने दो धारण किया और दो होते हुए भी वो एक हैं और उन्होंने राधा रानी की भाव अंग कांति लेकर के श्री सचिदानंद गौर हरि रूप में जगत में प्रकट होने का उन्होंने संकल्प लिया था। इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जब उन्होंने मंदिर मंदिर में उन्होंने सफेद कृष्ण का स्थापना किया, कुछ उनका गुरु भाई ने कहा ओ केशव महाराज
सफेद कम पैसा मिलता है ना, और काला विग्रह ज्यादा पैसा मिलते, सब मंदिर में सफेद सफेद विग्रह को स्थापना कर रहा है। लेकिन उन्होंने हर आचार्य का कुछ विशेष वैशिष्ट का बताया है, इसलिए उन्होंने पहले उन्होंने ये राधा विनोद बिहारी अष्टक को लिखे, जिस अष्टक में अद्भुत रूप में उसमें जो राधा कृष्ण की जो प्रेम की जो महिमा को गाए, और हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज उनका जीवन चरित्र में अद्भुत रूप में कैसे इनका नाम जो भक्ति प्रज्ञान है, केवल भक्ति नहीं, भक्ति में जो प्रज्ञान विशेष रूप में जो ज्ञान उनका अंदर में ये विद्यमान है, वो जो तत्व अष्टक में उसमें पता चलता है क्या उनकी अंदर में फिलोसफी। अब विशेष करके हम लोग सबके सब श्री रूपानुभव गौड़ीय वैष्णव, इसलिए ये रूपानुभव का क्या विशेषत्व है, इसलिए रूपानुभव का विशेषत्व ये है राधा पद छाड़ी जे जना सजना जे भाव जे भाव काके आमित राधिका पक्ष बाति सदा कबू नाही हरी काके। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते जो राधा रानी के पक्ष को छोड़ करके भले ही जैसे तैसे क्यों नहीं रहे, लेकिन आमित राधिका पक्ष बाति सदा, लेकिन मैं क्या करता हूं हर समय श्री राधा रानी को पक्ष लेने वाले। इसलिए जो रूपानुभव है वो लोग ये नहीं चाहते हैं हमारे राधा रानी कृष्ण चिंता करते करते कृष्ण रंग हो जाए, नहीं, वो चाहते हैं श्री श्याम सुंदर हमारी राधा रानी का चिंतन करते 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 वो राधा जी का रूप रंग धारण करे, हमारी राधा रानी नहीं। इसलिए उन्होंने जो मंदिर में जो तीन विग्रह है तीनों ही सफेद सफेद है, मतलब क्या, जिसमें केवल राधा रानी का महिमा राधा रानी का भाव में कलयुग में महाप्रभु राधा भाव लेकर के आए, और कृष्ण भी हैं यही पर उन्होंने बराह पुराण से प्रमाणित किया, तो बराह पुराण भी ये चीज को प्रमाणित किया है, इमली कला में भी ये चीज को प्रमाणित किया है राधा रानी के प्रेम की कितना महत्व है। इसलिए ये वो स्थान है जहाँ पर राधा रानी के प्रेम की सर्वोत्तम रूप में जहाँ पर यही पर उन्होंने कृष्ण नगर स्थापित करते हुए कलयुग में श्री सचिनंदन गौर हरि करके आते हैं। लेकिन हमारे श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने ये स्थान देखा, हमारे गौड़ीय वैष्णव का इस विशेष वैशिष्ट स्थान है, और देखो ये स्थान का कैसा अवस्था है, लेकिन इसलिए उन्होंने ये स्थान को लिया। बाद में भक्ति स्वरूप अकिंचन गोस्वामी महाराज पुनः ये स्थान को सेवा रूप में चलाए, उसके बाद साधु महाराज ने स्थान को फिर उन्होंने लेकर के जो सुंदर रूप में ये इमिल कला का बड़े सुंदर रूप में मंदिर ठाकुर जी और अच्छे सुंदर रूप में ठाकुर का प्रकाश किया है। इसलिए श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को कहते ना आचार्य सिंह रूप ने, उनको जो आचार्य सिंह जो नाम जो टाइटल प्रदान किया है, किसने प्रदान किया है, ये भक्ति श्री सारंग गोस्वामी महाराज ने, उनकी विरजता ऐश्वर्यता उनकी बाग्मिता, और कोई भी मायावादी हो सहजिया हो कोई भी हो, अगर कोई उल्टा सीधा अगर सिर्फ प्रभुपाद को करे कटाक्ष करे महाप्रभु को कटाक्ष करे उसको पीछा नहीं छोड़ते, एकदम उसी समय में जैसे शेर जैसे दहाड़ मारता है ऐसे दहाड़ मारते हुए सारे अपर संप्रदाय को खंडन करते थे। इसलिए भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ये जो महाराज थे इतने ही प्रतापी महाराज थे, ये इतने प्रतापी कि जो गौड़ीय मठ में पहले जो भजन साधन करते थे बड़े तीन हिंदू हैं, उसी समय में मेरे गुरुदेव बोलते थे जो सजना साथ में चावल को मिला के उसको रोसी में खा लेते थे, इसी तरह से खाते थे, और मेरे गुरुदेव कहते थे बहुत बड़े लोग प्रभुपाद जैसे से लोग बहुत बड़े लोग घर से आए, पर उस समय ना खाया नहीं जाता था, हम बड़े कष्ट से खाते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो गौड़ीय मठ का जो ऐश्वर्य जब हम दर्शन कर रहे हैं ये भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने ये धीरे 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 प्रभुपाद उनको माध्यम से धीरे 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 ऐश्वर्य को धीरे धीरे प्रकाशित किया। इसलिए एक समय उन्होंने भिक्षा के लिए कहाँ पर आए, कहते मथुरा में अभी 4 से 5 लोग आ रहे हैं बंगाल से, बंगाली लोग एक महीना परिक्रमा होगा, लेकिन प्रभुपाद का इनको पर बहुत विश्वास था, अगर किसी काम के लिए उनको भेज दो ये काम को करके आएगा, अभी 405 लोग एक महीना के लिए परिक्रमा लगेगा, पर इनको भेज दिया तुम जाकर के व्यवस्था करो, लेकिन वो पहले से उच्च शिक्षित थे, हाँ बड़े उच्च शिक्षित रेलवे काम करते थे, बड़े उच्च शिक्षित थे, उनको सब कुछ बात पता था, उन्होंने क्या किया
मथुरा में आए और मथुरा में आकर के ना उन्होंने साधु संन्यास ड्रेस को त्याग दिया, देख करके उन्होंने खूब गोट को पहन करके टाई लगा कर दी है एकदम बढ़िया चकाचक एकदम पूरा जैसे एक इनकम टैक्स का ऑफिसर, हाथ में एक ले लिया उन्होंने एक टाई ले लिया और होली गेट में आ गई। होली गेट में आकर पहले तो सारे आदि को जानते थे, बोले बड़े बड़े दुकान के पास में इनकम टैक्स का ऑफिसर में निकाल काम निकाल क्या अपने इनकम टैक्स भरता है, लेकिन सारे लोग तो कोई नहीं भरते हाँ इस तरह से फांकी देने वाले, इसलिए रहेंगे निकालो इनकम टैक्स नहीं तो तुम्हारे ऊपर कितना जुर्माना आ पाता, वो तो कहाँ हो गया अभी उसने दूसरे दुकान और पूरा हल्ला हो गया। यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर आया और ऑफिसर आकर के टैक्स मांग रहा है, तो बोले कहाँ चलेगा, सारे दुकानदार इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर के माफी मांग ले महाराज जी माफ कर दो, महाराज ने तो इनकम टैक्स का ऑफिसर उतार के होते माफ कर दो अब जो लोगे हम सब कुछ करने के लिए तैयार। जब देखा ये सबसे सब शरणा सब लगे ना फिर अपना स्वरूप में आ गई, बोले मैं कोई इनकम टैक्स का ऑफिसर नहीं मैं एक संत हूँ। मेरे जो गुरुदेव उन्होंने यहाँ ब्रजमंडल परिक्रमा एक महीना का 4 से 5 लोग भक्त आ रहे हैं एक महीना परिक्रमा करने के लिए आए, केवल मैं इसी भाव से आया हूँ आप लोग ब्रजवासी को भिक्षा लेने के लिए, कोई इनकम टैक्स का कोई ऑफिसर नहीं लेकिन हमको भिक्षा चाहिए। सबके सब पानी पानी हो गए, ब्रजवासी लोग तो स्वाभाविक रूप में ब्रजवासी है ही, ऐसे बात संतों की करते हैं, बोले महाराज जी कोई चिंता मत करो एक महीना की जो कुछ आप दाल चावल चीनी तेल एक महीना में जो कुछ लगेगा ना हम सब कुछ देने के लिए तैयार है। उन्होंने एक दिन में एक महीना की परिक्रमा की पूरा उन्होंने होली गेट से पूरा की तरह उन्होंने इनकम कर दिया। इसलिए और एक शिक्षण एक समय क्या हुआ कि उन्होंने भाई दीक्षा में गए, दीक्षा में गए तो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था जिसमें बहुत बड़े एक बिल्डिंग का ऑफिसर था जो जिसकी विदेश में भी काम होता था। प्रभुपाद के आज्ञा उन्होंने आए दीक्षा लेने करने के लिए, तब जब आए इन्होंने वो इतना फोन 8-10 फोन यहाँ विदेश से कर, तब उन्होंने बोले मेरे को 10 मिनट दे सकते, बोले नहीं पैसा लो, उस समय 100 रुपया पकड़े, बोले पैसा नहीं चाहिए, 5 रुपया, बोले नहीं चाहिए हमको 10 मिनट समय चाहिए, हमें मेरे पास में कोई समय नहीं पैसा है, बोले अपना पैसा अपना 5 मिनट में जा रहा वहाँ से चले। जब वहाँ से चले गए पैसा लिए नहीं, कुछ देर बाद में फिर उधर से उतरे उधर जा रहे, वो सोच रहे थे इसको तो बात करने के लिए आया था हरे कृष्ण।
I confess myself Guru and Vaishnavas. Here assembled, this is called Imli Tala. What Sridhar Maharaj left over for me, I try to take in some remnant, try to express my idea. How Srila Bhakti Sarandava Goswami Maharaj came to Prabhupada, I am giving you little background. If suppose you are very hungry, and hot summer day, too much thirsty and hungry, if you get some prasad and hot warm prasad, then you will be hand to that person who greet you. So one day, Atindriya Dasadhikari Prabhu, who wrote Gopiyakan Kaha, and Bhakti Saranga Goswami Maharaj, one midday they came to Mayapur. Already prasad was not left all finished. Then they came and Parabhudeva was there, Vinod Bihari Brahmachari. He was maintaining his office, sitting on the table, keeping his toe on the top of the table and shaking his both toe. Can we get some prasad? I'm coming from Power. Yes, no problem. We can take bath press, okay. The meantime, there is no gas at all at the time. Even no concession of gas. Paramgurudev, what he did, there is kerosene stove. By that, he put one pot for rice and taking cloth, he tie some dal, muk dal and put there and some potatoes. Same time rice done, potato boil and dal also boil completely. With that water, Paramgurudev make dal. And mashed potato and aloo pasta. When they came over and give, they came very pleased. Oh, so nice, tasty, prasad. Java kasti khudari jathara pipasa. When you have too much hunger, then everything will be tasty for you. Then they became very pleased. Then Paramgurudev, Vinod Bihari Brahmachari took them to Prabhupada Saraswati Thakur. Then Atindriya Dasadhikari Prabhu donate 1 rupee and Goswami Maharaj 5 rupees. Though Atindriya Prabhu was much more higher official than Goswami Maharaj. And they promised every month he'll send that. So he used to send 1 rupees and 5 rupees. Madhavasi was very happy. 5 rupees more than enough to maintain 1 month. After some time, both of them came to Prabhupada and Goswami Maharaj. He expressed the idea both of them want to stay in Mott. Mott was told, no, no, we have no need to stay in Mott. Well, why not? Well, if you came in, if you train in Mott, who will donate us 5 rupees? By which I am maintaining Mott? Then Goswami told, don't worry, I will earn more than 5 rupees. What happened? Staying in Mott is to go to Calcutta. Very near and dear, very intimate friend, one highly income tax officer. At Calcutta, there is a big market called Basta Market, Bada Bazar. He used to go there with his friend. Going there, so you registered. They became very scared. Oh, what to do? This is my friend, what do you want, give them. So, rice, chapati flour, dal, spices, oil, everything. Traveled and came to Mayapur. All became very happy. Srila Goswami used to tell, Malika Bhandar, Lulito Bhandar. If you want to hunt, hunt a Gandar. Gandar means for rhinos. Rhino. Or if you want to loot, take something, take very big place. From a big store, then you can get so much. So what happened after that? The completely changed Gauriya's tradition. This is his causeless mercy. Now I am coming because I am Kali Yugi Ji. Siddharma is living in Vrindavan, so he told about Lapaju. I am coming in Kali Yugi. Brajadangan Samsundar. Being in Braj, he got the phakam of all rasas. But the Madhura, especially Radhikas, is the monopoly, Adanaka Bhav, Mahabhav. Krishna could not touch the phakam or bottom of the ocean of Braj, Radhikas, Braj. He came himself. And
This guy is of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Taking the entrance and moved and told that he of Srimati Radhika appeared in this world. He after sannyas, he went to Jagannath Puri. When he came back to Vrindavan, at that time, very rare who was in Vrindavan. So he used to take Akrul Ghat. Coming every day, sitting under the tamarind tree, he used to chant. And he had one sevak with him. And while Mahaprabhu was here, one day sevak told, "Oh Prabhu, Krishna is appeared in Vrindavan. Every day he is sabdhu kaliya, making dance, tata thai, tata tata thai. I want to go and see there. Mahaprabhu, why? Krishna is appeared in Kali Yuga. This is Krishna himself. Why other Krishna will come? Oh, wait a little. That villagers came. Oh Prabhu, that is not Krishna at all. One fisherman going for fishing. And he has one boat, one lantern, one end of the boat. While he is fishing, deep to the wind, the boat is dancing, and the light is there, it seems this thing. What? It is a jewel of the snake, Kaliya snake, and who is fishing, it seems that Krishna is dancing, but not actually. Mahaprabhu is going to go to there, go to see Krishna. It happened here. And Mahaprabhu from Akrura is to come here. And going back again. So it is endless here. Amra ekhon ekhon theke amra jabo kothay? Sevakunji. Sevakunji darshan kore amra dhire dhire amader je darshanya sthan hirasone amra jhadu mandal hoye Gopinath bhavane amra mathe thirbo. Ekhon amra ekhon theke jabo. Dada. सेवा को राधा दामोदर कितने से कितने बजे खुला रहता है? वो नहीं पूरा खुला रहता है। ए, हर मोहित तो कहाँ गया? नौ से ग्यारह। चलिए अभी तो दर्शन करते हैं। सेवा को जो के जाएंगे इधर का जो दिए सुना लीजिए आपका दीजिए तो ना नहीं नहीं खंड कर दीजिए ना हाँ अभी दस जाओ फटाफट कर लेंगे और आधा तो बैठने तो नहीं देते हैं अच्छा और एक बात है सब मास्क लगा के जाएंगे बिना मास्क से अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे राधा दामोदर में और जगह में बिना मास्क जल्द नहीं करने देंगे वी हैव वन हाफ मोर रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू हैव टू पुट मास्क ऑन विदाउट ऑन मास्क वी आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द टेंपल हरि बोल अपना सबले मास्क लगाइए जाबे Go, 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 go
बंदर बहुत है, बंदर बहुत है यहाँ, ध्यान रख रहा हूँ।